नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सब्जेक्ट आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें समर एयर कंडीशनिंग पार्ट्स एंड वर्किंग। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि हमारे डिफरेंट बेसिस पर जो एसी होते हैं, एसी क्लासिफाइड किए जाते हैं, जिसमें से एक अकॉर्डिंग टू वेदर, वेदर के अनुसार समर एंड विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, जिसमें आज मैं आपके लिए समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फिर विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो सबसे पहले दोस्तों, एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है? एसी, जैसे कि आप जानते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का क्या काम होता है? यह टेम्परेचर मेंटेन करता है बिलो द सराउंडिंग। मीन्स जैसे कि हम समर एयर कंडीशनिंग, मीन्स इसका जो एसी है, इसका उपयोग हम कब करते हैं? अक्सर गर्मियों में करते हैं, समर सीजन्स में करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस विच यूज टू मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर। एयर कंडीशनिंग एक प्रक्रिया है, विधि है, प्रोसेस है, जो हम यूज करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इन गिवन स्पेस। गिवन स्पेस का मतलब है, जैसे कि आपका एक रूम है और रूम में आपका आपको टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी भी मैनेज करना है, साथ ही आपको साफ स्वच्छ एयर भी चाहिए है, तो हम एसी का यूज करेंगे। तो ये सारे काम है जो एसी करेगा। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है? यह एक प्रोसेस है विच यूज टू मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी कंडीशंस इन गिवन स्पेस। जिस स्पेस में हम यह चाहते हैं, रिक्वायर्ड है, वहां पे हम क्या करते हैं? एयर कंडीशनिंग का उपयोग करके ये प्राप्त करते हैं। टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑफ द ईयर। मीन्स हमारे जो वेदर से मौसम है, उसके अनुसार हम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ये बेसिकली तीन प्रकार के वेदर के अनुसार जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ये हम यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें पार्ट्स एंड वर्किंग। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो अब यहां पे हम देखेंगे पार्ट्स एंड वर्किंग। पार्ट्स और वर्किंग कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि हमारा एसी होता है, एयर कंडीशनिंग होता है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक इसमें आपका फिल्टर लगा होता है। फिल्टर्स का काम होता है, जो हमारी बाहर की एयर आती है, एयर्स के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं एयर्स को। इसके बाद आगे एयर हमारी मूव करती है। कूलिंग क्वाइल्स होती है, कूलिंग क्वाइल्स जो हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज करे, मीन्स जो हमारी एयर जब कूलिंग क्वाइल के कॉन्टेक्ट से होते हुए पास हो, तो ये हमारी क्या हो जाए? टेम्परेचर ड्रॉप हो और ये ठंडी हो, तो जिसके लिए कूलिंग क्वाइल्स होती है। इसके बाद यदि हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो चाहिए है, तो हीटिंग क्वाइल्स। मान के चलें, यदि आपको 17 डिग्री रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, लेकिन जब एक कूलिंग क्वाइल से पास हुआ और उसका टेम्परेचर 16 डिग्री हो गया, तो जैसे हीटिंग क्वाइल से जाएगा, तो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर्स वगैरह होगा, मॉइस्चर्स होगा तो उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा मॉइस्चर्स होता है, एयर के अंदर जो नमी होती है, आर्द्रता, वो हमारा नीचे सम्प में लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और आपकी जो फ्रेश एयर है ठंडी, वो आगे हमारी हीटिंग कॉइल से पास होते हुए फैन में पहुंचेगी, और फैन में जाने के बाद ये हमारी ठंडी एयर्स को सर्कुलेट कर देगा। कहाँ पे? कंडीशनड स्पेस, मीन्स जिस स्पेस को हमको क्या करना होता है? ठंडा रखना है, या जिस स्पेस को हमको कूल करना है, हम उस स्पेस में इस एयर को सर्कुलेट करा देते हैं, और रिमेन्स पार्ट ऑफ द एयर इज एग्जॉस्टेड। तो जो हमारी एयर सर्कुलेट होती है, सर्कुलेटेड एयर आगे मूव होके फिर से मूव करते हुए हमारी कहाँ पे आती है? फिल्टर्स में पहुंचती है। साथ ही इसके साथ कुछ हमारी अतिरिक्त फ्रेश एयर जो बाहर की है, ये भी ऐड हो जाती है,
तो इसमें क्या होता है, एक डैम्पर लगा होता है जो डैम्पर एयर सर्कुलेशंस के लिए क्या करता है, मैनेज करता है। तो डैम्पर मींस एक आपकी पतली टीन की छोटी सी, जैसे हम प्लेट मान लें या आपका डक टाइप का बना है जिसमें बाहर की एयर अंदर प्रेशर कम है ज़्यादा है, तो ये खुल के इस डैम्पर के थ्रू हमारी अंदर सिस्टम में एयर जाएगी तब एसी के अंदर, और इस यह एयर सबसे पहले हमारी फिल्टर से पास होगी। तो एक तो आपकी एडिशनल एयर, दूसरी जो एयर आपकी सर्कुलेट हो रही है वो, ये दोनों मिलके फिर फिल्ट्रेट होंगी। फिल्ट्रेशंस के बाद फिर मूव करेंगी कूलिंग कॉइल्स में, जहां पे ये कूल होंगी, कूलिंग कॉइल्स के कांटेक्ट में आने के बाद ठंडी होंगी, और इसके अंदर जो भी मॉइस्चर्स होगा वो मॉइस्चर्स हमारा सम्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसके बाद हमारी ये एयर पास होगी किससे, अगेन हीटिंग कॉइल से। और हीटिंग कॉइल से जब ये पास होगी तो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो हम अचीव कर लेंगे, अचीव करने के बाद फर्दर फैन एंड फैन सर्कुलेट कर देगा कंडीशन स्पेस के लिए। तो इस प्रकार से हमारी जो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। इस टाइप से ये क्या करता है, इसकी वर्किंग होती है। पार्ट्स में फिल्टर, कूलिंग कॉइल्स, हीटिंग कॉइल, डैम्पर्स एंड सर्कुलेशंस फैन, ये हमारे बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर। अब इसकी यदि हम बात करें एडवांटेजेस, तो कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं जो कि हमारे समर एयर कंडीशनिंग में, तो एडवांटेजेस ऑफ समर एसी, इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग होती है, तो इसमें हमारी जो हम बाहर की एयर है उसी से सांस लेते हैं, तो ये जो बाहर की एयर है इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन जो हमारी एसी के थ्रू एयर आती है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तो इसमें एयर की क्वालिटी क्या है, बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है। सेकेंड है रेड्यूस डस्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर। एसी का यदि हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, तो इसमें जो हमारी डस्ट और बैक्टीरिया होता है जब ये फिल्ट्रेट होती है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। रेड्यूस अस्थमा अटैक्स, अस्थमा से जो अटैक्स आते हैं उसको भी कम किया जा सकता है। कूल प्लेस या प्लेसेस, हम अपने जहाँ रह रहे हैं, घर हाउस हो, हॉस्पिटल हो, आपका बैंक हो, एसी का यूज करके हम उसको स्पेस को ठंडा रख सकते हैं। इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस, यदि हम कंफर्टेबल फील करेंगे, हम अच्छा फील करेंगे, वहाँ का जो वेदर है अच्छा होगा, ठंडा होगा, तो आपकी जो वर्किंग इफिशेंसी है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। मीन्स हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो हम पोंछ रहे हैं और साफ कर रहे हैं, थकावट फील कर रहे हैं, बट यदि हमारा रूम बहुत ठंडा है गर्मी के समर सीजन्स में, तो हमारी जो वर्क इफिशेंसी है वो बढ़ जाएगी और हम काम ज़्यादा कर पाएंगे। रेड्यूस रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशंस, मीन्स जो हाइड्रेशंस की रिस्क होती है, इसको रिस्क को क्या है, कम किया जाता है जब हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो दिस इज आर एडवांटेजेस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी कौन कौन से एडवांटेजेस होती हैं, एंड क्या एयर कंडीशनिंग कहलाता है। थैंक यू।